द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री। ये एक टावर है, ये मान लो टावर का फुट है, ठीक है। सपोज ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। कह रहा है ये एंगल कितना है 30 डिग्री का, ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 100 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इस हमें बतानी है, टावर की हाइट। हमें एक एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 100 मीटर। हमें क्या बताना है, ये बताना है। देखिए हमें पता है अगर 60 डिग्री, ये 90 है, देखो 60 के सामने अगर x होता है तो 30 के सामने क्या होता है, 30 के सामने होता है x बाय रूट थ्री। ध्यान है ना भाई, देखिए अगर 60 के सामने अगर x होता है, अगर 60 डिग्री के सामने जब भी x होता है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड कैसे निकलती है, इस x को डिवाइड कर दो रूट थ्री से, यानी x बाय रूट थ्री। क्लियर है ना। तो अगर 60 डिग्री के सामने x है तो 30 डिग्री के सामने हो गया x बाय रूट थ्री। तो क्लियरली अगर इफ बी सी इज इक्वल टू x, देन ए बी कितना हो जाएगा x बाय रूट थ्री, यानी कितना x कितना है हेयर, x कितना है 100 मीटर। तो याद आएगा 100 अपॉन में रूट थ्री, कौन सा हो गया ऑप्शन 1 इज दी आंसर।